सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे बोधराज जी, हमारे नारायण जी, हमारे अश्विनी जी, मंगू जी, आपके सामने हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का विज़िट हुआ था, हमें पूरी उम्मीद थी कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनका जब विज़िट हुआ, कहीं उम्मीदें लेके यहाँ के छोटे तबके के एम्प्लॉयज़, एसपीओस, वीडीसी एसपीओस, डिसएंगेज एसपीओस, रिटायर्ड एसपीओस, ये उम्मीद लेके बैठे थे कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ न कुछ हमें तोहफा दे के जाएंगे। और जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बात ज़रूर क्लियर की कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। आज हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से, जिसमें हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से इस बात को क्लियर करने की गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर डेली वेजेस के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया, वो पिक्चर, वो सच्चाई जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजेस के सामने आनी चाहिए। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो बहुत कम है, यानी न के बराबर है। बाकी स्टेट्स में बहुत अच्छे तरीके से डेली वेजेस की सैलरी मिलती है। आज हमारा जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बावजूद यहाँ पर जो मात्र थोड़ा बहुत तनख्वाह दिया जाता है, उससे भी आज जम्मू कश्मीर के तमाम जो हमारे मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं डेली बेसिस पर, उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता है और वो भी टाइमली उनको नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जो हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की बहुत ही कमी है। उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले कुछ आनन फानन में ऐसा देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज के बाहर जम्मू में हमारे कुछ महिलाएँ, कुछ हमारी बहनें और कुछ हमारे भाई प्रोटेस्ट करने पर उतरे, उनको डिसएंगेज कर दिया गया। और उसके बाद उस प्रोटेस्ट में हमने भी हिस्सा लिया और हमने भी उनकी सपोर्ट की, देश के प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुँचाई। बाद उनको जो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और कल मैं शाम को दिल्ली भी जा रहा हूँ इन मुद्दों को लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज का मुद्दा है, ऑनरेबल हाईकोर्ट में पिछले कल वहाँ पर हेयरिंग थी और जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं, कई लीडर उनको अलग अलग तरह तरह की बातें उनको कहते हैं, कई लोग, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को, पिछले 7 साल से मैंने उनकी आवाज़ को उठाया है और आज भी उनके साथ में खड़ा हूँ एज ए फैमिली मेम्बर। और मैं उनको भरोसे से ये कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जो हेयरिंग हुई, यानी पिछले कल, उसमें ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले 20 दिसंबर को जो डेट रखी है ऑनरेबल जज साहिबान ने, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि उस हेयरिंग में इनकी क्लियर कट बेस भी हो जाएंगे और जजमेंट के लिए भी आदेश जारी हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को हक मिलना चाहिए था, हम भी ये कहते हैं कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर 20 तारीख को सब कुछ ठीक रहा तो मुझे पूरा भरोसा है, और वकील साहब ने यह कहा कि ये अब लास्ट हेयरिंग है और उसमें हमारे सारी जो डॉक्यूमेंट्री जो भी रिक्वायरमेंट होती है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, वो सब कुछ तकरीबन ठीक हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब 20 तारीख को जो डेट है, वकील साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो लास्ट डेट है, उसमें सारा बेस भी हो जाएंगे, सब कुछ गवर्नमेंट एडवोकेट के बीच में और हमारे जो एडवोकेट हैं उनके बीच में, जज साहिबान उसको सुनेंगे और कुछ ही दिनों के बाद जजमेंट सामने आ जाएगी, जिसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए। जिसमें डीजी साहब ने भी अपने रिप्लाई में कहा है कि वो फोर्स के साथ, यानी कांस्टेबल के साथ बराबर की ड्यूटी करते हैं, मगर सर्विस इनकी टेम्परेरी है,
सर्विस टेम्परेरी हो या कन्फर्म हो, इक्वल वर्क इक्वल पे की वायलेशन की जा रही है उनके साथ, क्योंकि अगर आप सर्विस ड्यूटी बराबर करते हो तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी उनको नहीं मिला और इक्वल वर्क इक्वल पे का देगा और उनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी की हमें पूरी भरोसा है और तमाम चीज़ें हो चुकी है। और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPO से अपील करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल इत्मीनान से रखे और ऑनरेबल हाईकोर्ट पर भरोसा बनाए रखें। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब से भी जो लेटर्स आए हैं वो भी आपके हक में हैं। अगर आपको, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की आवाज़ उठाना हमारे लिए भी, मैं SPO भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर भी कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। मैं ये उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी परेशानियाँ आपके वजह से झेली है और आने वाले वक्त में मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPO भाइयों को और बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और अब जिस तरीके से आप इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उसी तरीके से एज ए आपका फैमिली मेम्बर, जो शुरू से मैंने कहा और आज भी कह रहा हूँ, आने वाले कल भी कहूँगा, मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूँ और आपकी बात दिल से करता हूँ। चाहे कोई भी बात करे, मगर मैं आपके साथ, मेरी पूरी टीम, यहाँ तक कि मैं देश के होम मिनिस्टर साहब के पास जो भी मेमोरेंडम मैंने दिया वो सारे मेमोरेंडम का जवाब भी आ चुका है। सेक्रेटरीट में मैंने वो सारा कन्फर्म किया। आज की डेट में भी आपके मुद्दे के साथ में 24 घंटे बना हुआ हूँ और आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। ये मैं आप सबके साथ, आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ और तमाम SPO भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा समय और इंतज़ार कीजिए। जिस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हो, जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अगर अब भी मिल जाए तो मैं गवर्नमेंट का भी और ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी उन 40,000 परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अब हम भी बहुत तंग आ चुके। हर एक रास्ता हमने अपनाया मगर एक चीज़ आज तक हमने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया। अब अगर हमें मजीद इंतज़ार करने की नौबत आई तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर के अंदर एक भयानक किस्म का प्रोटेस्ट को शुरू किया जाएगा, जिस जनसलाब को जम्मू कश्मीर के LG इंतजामिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा आज के जो प्रेस मीडिया के मित्र आए उनके सामने, और अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के LG साहब से कि इन मुद्दों पर वो ज़ाती तवज्जो दें और यहाँ जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी, गरीब जनता भी एक चैन की सांस ले सके।